कहानी शुरू होती है आज से 20,000 साल पहले, जब इंसान पत्थरों से हथियार बनाते थे। और यहाँ हम देखते हैं एक ट्राइबल टोली को, जो कि अपने शिकार पर घात लगाए बैठे थे, क्योंकि विंटर आने वाला था और उन सभी को खाने पीने का सामान इकट्ठा करना था। ऐसे में उनका सरदार ताऊ शिकार पे अटैक करने के लिए कहता है। खुद पर हमला होता हुआ देख जानवर भी उन पर हमला कर देते हैं, और उन जानवरों को अपनी तरफ आता देख सब लोग अपना अपना भाला उनके तरफ फेंक देते हैं, जिससे वो जानवर अपनी दिशा बदल देते हैं और एक एक करके खाई में गिरने लगते हैं। ये देख उन जानवरों का मुखिया उन ट्राइबल टोली के मेंबर्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें वो ताऊ के बेटे कीड़ा को मारने आता है। अब इससे पहले कीड़ा को समझ पाता, वो जानवर उस पर हमला कर लेता है, उसे घायल कर देता है और उसे अपनी सींगों पर उठाकर खाई की तरफ धकेलने के लिए लेकर जाता है। ये सब दूर से सरदार देख रहा होता है और वो उस जानवर पर अपना भाला दे मारता है। भाला लगते ही वो जानवर कीड़ा को हवा में उछाल देता है, जिस वजह से कीड़ा खाई की तरफ गिरने लगता है। अब सीन फ्लैशबैक में चली जाती है। एक हफ्ता पहले ताऊ जब शिकार पर निकल रहा है, तो वो कुछ युवाओं को अपनी टोली में शामिल करने के लिए उनका इम्तिहान लेता है, जिसके तहत उन्हें कुछ औजार बनाकर दिखाने थे। अब उनमें से दो लोगों का चुनाव किया जाता है, जिनमें से उसका लड़का कीड़ा भी होता है। यहाँ उन दोनों को खूब पीटा जाता है और उनकी सहन शक्ति का इम्तिहान लिया जाता है, जिसमें वो दोनों पास हो जाते हैं। उसे अपने बेटे पर नाज होता है, पर रात को उसकी माँ को अपने बेटे के लिए चिंता होती है। वो कहते हैं कि वो अभी बच्चा है, पर ताऊ कहता है कि वक्त और हालात के साथ कीड़ा सब कुछ सीख जाएगा। अब अगली सुबह वो अपनी माँ से मिलकर शिकार पर चला जाता है। अब कई दिन चलने के बाद वो अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए स्मारक तक पहुँचते हैं, जो ये दर्शाता था कि वो सही दिशा में जा रहे हैं, कि तभी उन्हें सामने से एक और कबीले की टोली आते हुए दिखाई देती है। और ये कबीले वाले भी ताऊ के दोस्त होते हैं और वो भी खाने की तलाश में निकले होते हैं। अब दोनों कबीले वाले मिलकर शिकार ढूंढने चल पड़ते हैं। अब सफर के दौरान सब लोग जंगली सुअर का शिकार करते हैं, जहां ताऊ अपने बेटे की हिम्मत और ताकत का इम्तिहान लेने के लिए उस सुअर को मारने के लिए कहता है। पर कीड़ा हिचकिचाता हुआ अपना दरियादिली दिखाते हुए उस सुअर को मार नहीं पाता। ये देखकर ताऊ भड़क जाता है और उसे कहता है कि बेटा, आखिर में वही जिंदा रहता है जो ताकतवर होता है। इतना कहकर वो सुअर को मार देता है। अब रात को जब सब लोग अपना शिकार खा रहे होते हैं, तो ताऊ को जंगल में कुछ आवाज सुनाई देती है और वो सभी लोगों को साथ रहने के लिए कहता है। और सब लोगों को भी वहाँ किसी जानवर का होने की एहसास होता है और सब लोग चौकन्ना हो जाते हैं। पर कुछ देर कोई हलचल ना होता हुआ देख सब लोग हल्के पड़ जाते हैं, कि तभी एक शेर उनमें से एक लड़की को उठा कर ले जाता है और उसे मार देता है। ये सब देखकर कीड़ा घबरा जाता है, पर ताऊ अपने बेटे को हौसला रखने के लिए कहता है। अब अगली सुबह सब लोग उस लड़के को मरा समझ उसे श्रद्धांजलि देकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं और अपने पूर्वज द्वारा बनाए स्मारकों से होते हुए एक रात गुफा में बिताते हैं। यहाँ ताऊ अपने बेटे के हाथ पर अपने पूर्वज द्वारा बनाए गए रास्ते का एक नक्शा बनवाता है, ताकि वो मुश्किल हालात में भी उसे फॉलो करके वापस घर लौट सके। और उसी दौरान उन्हें कुछ आवाज सुनाई देता है और उनके नजर एक भेड़िए की झुंड पर पड़ता है। और यहाँ ताऊ अपने बेटे कीड़ा को एक अच्छी बात बताता है, जिसमें वो कहता है कि बेटा, वो भेड़िया इन सब भेड़ियों का सरदार है, जिसे अल्फा कहा जाता है और जिसकी जान हमेशा खतरे में होती है, क्योंकि अगर उनकी झुंड को उसकी कमजोरी का पता चल जाए तो सभी उससे मुकाबला करने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए एक अल्फा की असली पहचान होती है उसकी ताकत और हिम्मत, जिसके बलबूते पर ही वो अपने झुंड की अगुवाई कर सकता है। अब अगली सुबह इन्हें कुछ जानवर के निशान दिखाई देता है, जिनका पीछा करने पर वो उन तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ हम स्टार्टिंग वाली सीन को देखते हैं, जहाँ कीड़ा हमें खाई में गिरता हुआ दिखाई देता है और उसके गिरते ही ताऊ और बाकी सब लोग खाई की तरफ भागने लगते हैं। नीचे देखने पर कीड़ा उन्हें चट्टान के सहारे लटकता हुआ मिलता है। ताऊ और बाकी सब लोग उसे हौसला बनाए रखने के लिए कहते हैं और उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, पर तभी कीड़ा का हाथ छूट जाता है और वो पहाड़ के आधे रास्ते में एक चट्टान के ऊपर गिर जाता है। ये देख ऊपर से ताऊ नीचे उतरकर उसे बचाने जाता है, पर सब लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि वो सीधा मौत के मुंह में जा रहा था। और इनमें से एक आदमी उसे मुखिया होने का एहसास दिलाता है और कहता है कि हमें सही सलामत वापस ले जाना उसकी जिम्मेदारी है। ताऊ उन सबके आगे और हालात के आगे बेबस हो जाता है, पर रात भर अपने बेटे को चट्टान से आवाज देता रहता है, इसी उम्मीद में कि वो भी आवाज देगा। फिर उस रात वहाँ बिताने के बाद जब कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तब वो उसे मरा समझ उसे श्रद्धांजलि देकर वापस चले जाते हैं। अगली सुबह कुछ गिद्ध उसे मरा समझकर उसे नोचने के लिए आते हैं, लेकिन तभी कीड़ा की आंख खुल जाती है और वो गिद्ध को दीवार में पटक कर नीचे फेंक देता है। वो खुद को पहाड़ी में फंसा हुआ देख अपने पिता को आवाज देता है, पर कोई चारा ना बनता देख वो खुद ही उसी पहाड़ी से नीचे उतरने का फैसला करता है, लेकिन पहाड़ सीधा होने की वजह से वो बीच में ही लटक
जाता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और लटका रहता है। तभी जोरदार बारिश गिरने लगती है, जहाँ कुछ ही देर में खाई पानी से भर जाती है। ये देखकर कीड़ा पानी में छलांग लगा देता है और बहता हुआ दूर चला जाता है। अगली सुबह जब उससे होश आता है तो वो बारिश का गंदा पानी पीकर अपना प्यास बुझाता है। फिर अपनी जख्मी टांग की हड्डी को सही करके उस पर पट्टी बांधता है और लकड़ी की मदद से लंगड़ाता हुआ पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है और अपनी परिजनों द्वारा बनाए गए मृत्यु स्मारक को देखकर टूट जाता है और गुस्से में उन पत्थरों को खाई में फेंकते हुए चिल्लाता है, जिनका शोर सुनकर कुछ भेड़िया उस पर हमला करने के लिए आते हैं। और वो उन सभी भेड़ियों से बचते बचाते उस रात वो एक पेड़ पर बिताता है। अगली सुबह पानी भरते वक्त उसका सामना फिर से उन्हीं भेड़ियों से हो जाता है और उन्हें अपनी तरफ आता देख वो फिर से उस पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ने लगता है कि तभी एक भेड़िया उसकी पैर दबोच लेता है। कीड़ा अपनी जान बचाने के लिए उस भेड़िये पर अपनी हथियार से वार करता है, जिसमें वो भेड़िया घायल हो जाता है और कीड़ा पेड़ पर चढ़ जाता है। अब दिन से रात हो जाती है, पर भेड़िया उसका नीचे आने का वेट करते हैं। अगली सुबह सारे भेड़िया उस घायल भेड़िये को छोड़कर चले जाते हैं। घायल भेड़िया दर्द से कराह रहा होता है तो कीड़ा अपने हाथ से एक भाला तैयार करता है और भेड़ियों को दर्द से छुटकारा देने के लिए उसे मारने के लिए जाता है। उसी वक्त उन दोनों की नजरें नजरों से मिलती हैं, जिन्हें देख उसका दिल पिघल जाता है। इसके बाद वो भाले की रस्सियां खोलकर उसके मुंह पर बांध देता है और उसे अपने साथ लेकर चल देता है। काफी देर चलने के बाद एक गुफा में पहुंच जाते हैं वो दोनों। वहां वो दोनों रात बिताते हैं। जब अगली सुबह उसे होश आता है तब वो उस गुफा को देखता है तो वो गुफा उसे जानी पहचानी लगती है। दरअसल वो वही गुफा होता है जहां आते वक्त वो अपने पिता के साथ ठहरा था। खैर, वो वहां जड़ी बूटियों से अपनी जख्म के लिए एक लेप बनाता है और अपने पैर पर लगाता है। पानी पीते वक्त उसका ध्यान सामने बैठे भेड़िये पर जाता है, जो उसे पानी पीता देख अपनी मुंह की रस्सी खोल देता है। कीड़ा डरता हुआ एक कटोरी में उसे भी पानी देता है और इस तरह से दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है और बाद में वो उसके जख्म पर मलम भी लगाता है। भूख की वजह से और दोनों के जिंदा रहने के लिए वो एक खरगोश का शिकार करता है। वो खरगोश को खाते देख उस भेड़िये का भी मन ललचा जाता है, पर उस पर डोमिनेंस पाने के लिए पहरा निवाला वो खुद खाता है और बाद में भेड़िये को भी देता है और ऐसे ही दोनों दोस्त बन जाते हैं। अगली सुबह वो एक नई उम्मीद के साथ घर जाने के लिए रवाना होता है, जहां वो भेड़िये को वापस अपने झुंड में जाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। पर वो भेड़िया लगातार उसका पीछा करता रहता है और उसकी मना करने के बावजूद उसका पीछा नहीं छोड़ता। यहां एक सीन में वो लकड़ी से उसे मारकर भगाने की कोशिश करता है, पर वो भेड़िया किसी कुत्ते की तरह मुंह में लकड़ियां दबाते हुए उसके पास आता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। तो फाइनली वो उसे अपने साथ आने देता है और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक जंगली सुअर का झुंड दिखाई देता है। तो भेड़िया अपनी रणनीति अपनाता हुआ उस सुअर को कीड़ा की तरफ धकेल कर लाता है, पर कीड़ा डर जाता है और शिकार उनके हाथ से निकल जाता है। उस रात उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। अब अगले दिन वो दोनों मिलकर फिर से शिकार करते हैं। इस बार भेड़िया उसे शिकार करने की प्रैक्टिस करवाता है और रात होते होते उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। और रात को भेड़िया कीड़ा के पास आकर सो जाता है और सुबह बड़े प्यार से उसे जगाता है। फिर दोनों इकट्ठा पानी में नहाते हैं। नहाने के बाद वो भेड़िया उसे एक मछली पकड़ कर देता है, जिसे देखकर कीड़ा बहुत ही खुश हो जाता है। अब अगली सुबह दोनों अपनी मंजिल की तरफ फिर से निकल पड़ते हैं, जहां कीड़ा अपने दोस्त को अल्फा का नाम देता है। अब धीरे धीरे मौसम बदलता है और विंटर आ जाता है। ऐसे ही एक दिन दोनों एक जंगली सुअर का शिकार करने लगते हैं, जहां कीड़ा बेखौफ उस सुअर का शिकार करता है और रात को दोनों मिलकर दावत खाते हैं। तभी एक भेड़िया उनके सामने आ जाता है। खतरा समझकर कीड़ा भाला उठाकर उसके सामने आता है, पर कीड़ा जल्दी ही समझ जाता है कि ये उसका ही झुंड था जो अल्फा को वापस लेने आया था। अब अल्फा पीछे मुड़कर एक आस भरी नजरों से कीड़ा की तरफ देखता है, मानो जैसे वो उसे जाने की परमिशन मांग रहा हो। कीड़ा भी उसे अपनी फैमिली के पास जाने के लिए अनुमति दे देता है और अल्फा चला जाता है। अब अगली सुबह बर्फीली तूफानों से गुजरता हुआ वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक भेड़ियों का झुंड नजर आता है, जिनमें वो अल्फा को देखता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी दोस्त की तरफ भागने लगता है कि अचानक बर्फ टूट जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाता है। अल्फा भी उसे देख लेता है और उसे बचाने के लिए दौड़ कर आता है और अपने पंजों से बर्फ को तोड़ने की प्रयास करता है, पर तोड़ नहीं पाता। उधर दूसरी तरफ कीड़ा अपनी चाकूनुमा हथियार से बर्फ को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और अल्फा की मदद से बाहर आता है। ठंड से बचने के लिए वो कपड़े उतार कर आग के पास अल्फा के साथ सो जाता है। कीड़ा सुबह होते ही अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है, जहां रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वो उससे मदद मांगने के लिए जाते हैं, पर वो शख्स बर्फ में जमकर मर चुका था। उसके बाद कीड़ा उसके हाथ से तीर और कमान ले लेता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है।
अब आगे सफर के दौरान उनका सामना बर्फीली तूफान और लकड़ बग्घों से होता है, जहां दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में सहारा लेते हैं, गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर अल्फा को किसी अनजान खतरे का एहसास होता है कि तभी एक शेर खेड़ा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अल्फा बीच में आ जाता है और अपनी जान की परवाह ना करते हुए शेर से भी भिड़ जाता है। उधर दूसरी तरफ खेड़ा अपने तीर से उस शेर को मार गिराता है, लेकिन इस लड़ाई में अल्फा काफी घायल हो जाता है। अब अपने प्रति उसकी वफादारी देख खेड़ा उसे अपने साथ ताउम्र रखने का कसम खाता है। अगली सुबह फिर से वो अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं। रास्ते में खेड़ा को अपने पूर्वज द्वारा बनाया गया स्मारक दिखाई देता है। इसका मतलब वो सही रास्ते में जा रहे थे, वो घर की बहुत पास थे और उस भयानक सर्दी में दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जहां एक दिन जख्मी हुई अल्फा का हिम्मत जवाब दे जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसकी हालत देखकर कीड़ा उसे अपने हाथों पर उठा लेता है और आगे का सफर जारी रखता है। अब कुछ दूर चलने के बाद भूख और प्यास से खेड़ा की भी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो बेहोशी की हालत में अल्फा को नीचे रखकर सो जाता है, जहां उसे अपनी माँ बाप का सपना आता है और उस सपने से प्रेरित होकर कीड़ा जाग जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और अल्फा को अपनी गोद में उठाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसका हौसला रंग लाता है और अपने कबीले को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, तो फाइनली वो अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है और ताऊ अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है, जहां खेड़ा उसे पूछता है क्या उसने खुद को साबित कर दिया या नहीं। ये सुनकर ताऊ रोने लगता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। अब कबीले के लोग उन दोनों का इलाज करते हैं और उन्हें पता चलता है कि अल्फा एक मादा है जो भेड़िए बच्चों को जन्म देती है। ये देख कीड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि पूरे टाइम कीड़ा उसे एक मेल समझ रहा था। यहाँ पर अल्फा दो पिल्लों को जन्म देती है। इसके बाद कीड़ा की नजरों में अल्फा के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। कबीले के लोग उन पिल्लों का और अल्फा का स्वागत करते हैं। अब कुछ टाइम के बाद हम कबीले के एक नए मुखिया को देखते हैं, जो अपने हाथों में आने वाला समय की बागडोर को संभालता है। और इस तरह से हम इंसान और जानवर के बीच वफादारी जैसी रिश्ते की शुरुआत होती है। इसके साथ ही यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अब ये कहानी थी हिम्मत की, डटकर मुसीबत का सामना करने की, जो हमें ये सिखा जाती है, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो पर हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए।